जो पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता है वो सारे तैयार हो जाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स और अपना मूड और अपना दिमाग फ्रेश कर लें, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स में भी वैकेंसीज जो है वो अनाउंस हो गई हैं। लास्ट डेट 2 दिसंबर 2021 है, सो टाइम बहुत कम है और आपने इसमें अप्लाई करना है। सबसे पहले ये वैकेंसीज कौन कौन से फील्ड के लिए अभी ओपन हुई हैं और क्या क्राइटेरिया है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेडिकल ब्रांच में एज अ मेडिकल ऑफिसर और स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। सो मेडिकल वाले लोग जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। मेडिकल ब्रांच स्पेशलिस्ट SPSSC, इसमें ENT के भी हैं, न्यूरोसर्जन की भी हैं और एनेस्थीजिया की भी हैं और बहुत सारी फील्ड्स जो हैं वो इसमें अप्लाई हो रही हैं। और एज लिमिट जो है वो 10 अप्रैल 2022 में आपकी एज जो है वो 29 to 48 ईयर्स होनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा फील्ड है और उसमें डेफिनेटली FCPS और डिप्लोमा होल्डर्स और डिफरेंट जितनी भी हैं, क्योंकि मेडिकल की फील्ड से हमारा थोड़ा दूर दूर का वास्ता है, तो इसमें आप ज़रा ज़्यादा जो डिटेल्स हैं वो आप इनके वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं। बट मैं इतना आपको बता दूँ, ट्रेनिंग पीरियड इनका 24 वीक्स का होगा। मेडिकल ऑफिसर्स का होता ही 24 वीक्स का है। अगर आपकी आपको ये चेक करना है कि आपकी स्पेशलाइजेशन वाली फील्ड अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही, तो आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। लेकिन जो बातें हम आपको समझाना चाह रहे हैं, एक तो वो यही, डेफिनेटली अब मेल और फीमेल दोनों सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अप्लाई कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एज लिमिट 29 to 48 ईयर्स जो है वो हो सकती है फ्लक्चुएशन थोड़ी बहुत, वैसे उम्मीद तो है कि दे देते हैं इसमें। उसके बाद रैंक, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें रैंक क्या होती है, स्क्वाड्रन लीडर की रैंक मिलती है आपको। और ट्रेनिंग पीरियड 24 ईयर्स का होता है। क्वालिफिकेशन मिनिमम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए आप लोगों की, आपकी पाकिस्तानी फॉरन, अगर आप लोगों ने क्वालिफिकेशन अपनी की है, डिग्री कंप्लीट की है, PMDC नंबर भी आपके पास होना चाहिए। और अगर आपने फॉरन यूनिवर्सिटी से किया है तो उसका भी आई थिंक सो इनका कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होता होगा, आई थिंक सो। तो ये आप लोगों ने देखना है। और दूसरी वाली जो ब्रांच है मेडिकल ब्रांच, उसमें भी आपके पास MBBS जो है वो सेकंड डिवीजन का होना चाहिए। और उसमें जो सिर्फ MBBS के लिए स्पेशलाइजेशन वाली थी, जो सिर्फ और सिर्फ MBBS के लिए, उसमें मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, एज जो है 10th अप्रैल 2022 तक 24 to 28 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें रैंक जो है वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट की है। ट्रेनिंग पीरियड अगेन 24 वीक्स का है। MBBS इसकी रिक्वायरमेंट है और हाउस जॉब वगैरह जो है वो आपने की हो, और इसी के साथ साथ जो है वो आपके पास डेफिनेटली PMDC का नंबर होना चाहिए। सो दो तरह की फील्ड्स हैं, एक मेडिकल ऑफिसर की स्पेशलिस्ट की है और दूसरी जो है उसमें MBBS जो है वो रिक्वायर्ड है। तो आप जो है वो बाकी इसके सारे फर्दर डिटेल्स इनकी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट कि इसकी 2 दिसंबर है लास्ट डेट, तो वो करीब ही है, तो अगर कोई करना चाहता है अप्लाई तो वो इनकी वेबसाइट से अप्लाई कर सकता है। तो आप लोग जो है वो इसको, अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई अगर समझ नहीं आ रही, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोशिश हमारी पूरी होगी कि हम आपको एज सून एज पॉसिबल रिस्पॉन्स करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।